नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु जी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से यहाँ पे डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, इस प्लेलिस्ट में आपको रामधारी खंड एक का 160 की स्पीड से सभी एक्सरसाइज की तैयारी कराई जाएगी, तो आप इस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। इसमें सभी डिक्टेशन आपको क्रम वाइज मिल जाएगा। डेली डिक्टेशन के लिए आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी study4stenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय ना लेते, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफ़ी आलोचना हुई है, वहाँ इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हों और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप ना करें। लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नज़र रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ वह सिर्फ कागज पर ही रहा, पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। इस दृष्टि से बहुत जरूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें। हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे तो हम में इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना कर सकें। आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफ़ी मदद मिली है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपए की फौजी सहायता दी है। आज जहां हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है। अपनी नीति के कारण वह सब देशों से लाभ उठा रहा है। मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख फौज खड़ी है। सभापति महोदय, प्रतिदिन छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं। हमारी फौजें बड़े उत्साह से उनके मुकाबले में खड़ी हैं, उनके हौसले बहुत ऊंचे हैं। लेकिन हमारी सरकार का भी यह कर्तव्य है कि उनके हौसले को कभी गिरने ना दें, उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सरकार अपनी नीतियों के प्रचार का काम ठीक प्रकार से अपनी फौजों से करे, उनको अच्छे अच्छे हथियार दे। अनुसूचित जातियों और आदिवासी जातियों के आयुक्त ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उस प्रतिवेदन को देखने से यह प्रतीत होता है कि इसको तैयार करने में उन्होंने बहुत परिश्रम से कार्य किया है। इसके लिए मैं उनको और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं। परंतु साथ ही साथ हम इस प्रतिवेदन के संबंध में कुछ आवश्यक निवेदन भी करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि इस प्रतिवेदन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इन कार्यों के लिए जिस धन का उपयोग होता है वह 3 साधनों से उपलब्ध होता है, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा। प्रतिवेदन के अनुसार जितना धन इन कार्यों पर व्यय करने के लिए दिया जाता है उतना धन पूरी तरह से व्यय नहीं हो पाता। मैं यह नहीं कह सकता कि आवश्यकता से अधिक धन दिया जाता है या कार्यकर्ताओं को वह धन प्राप्त ही नहीं होता जिसके कारण से वह बिना खर्च हुए बच जाता है। मैं तो यह चाहता हूँ कि
जितना धन दिया जाता है उसका पूरा उपयोग हो और आयुक्त को यह न कहना पड़े कि इस कार्य के लिए जितने धन की आवश्यकता थी उतना धन नहीं मिल पाया और विवश होकर हमको उस कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा। जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है, बहुत सी राज्य सरकारें अभी तक इस कार्य में असावधानी से काम ले रही हैं और इस कार्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखती हैं। आयुक्त ने इस बात की शिकायत की है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने अनेक पत्र भेजने के बाद भी अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ निष्ठापूर्वक ध्यान दे, राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाए कि वे इस दायित्व के प्रति सचेत हों और आयुक्त को उनके कार्य में पूरा पूरा सहयोग प्रदान करें। सभापति महोदय, किसानों की उपज की आप न अधिक कीमत दे सकते हैं न अधिक उपजाने के लिए जो साधन देश में उपलब्ध हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कोई अच्छा भविष्य नजर नहीं आ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप देखें कि आपके कार्यक्रम में कहां त्रुटि है, कहां कमी है। आपने कर लगा रखे हैं, आपने जो कर लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं। हमारे प्रदेश में तो जमीन पर 25% ज्यादा कर भी लगा दिया गया है। इतना बोझ अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। वह पहले से टूटी जा रही है, लेकिन वे इन करों को देने के लिए भी तैयार हैं। यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तैयार करें। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं, पूर्वी जिले हैं, जहां पर बहुत बुरी स्थिति है। हमारे सदन के एक सदस्य ने रो रो कर आपको यह बताया था कि वहां लोगों को 2 रुपए मजदूरी में मिलता है, इतनी ही एक दिन की उनकी मजदूरी है। सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी ताकि वहां पर कुछ विकास के कार्य किए जाएं। वह योजना भी अब खटाई में पड़ गई है। आपका ध्यान इन समस्त चीजों की ओर कैसे दिलाया जाए, कैसे आपका ध्यान इन सभी कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया जाए, समझ में नहीं आता है। यातायात के साधनों की स्थिति यह है कि ट्रेनों में दूसरे दर्जे में भीड़भाड़ का कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हर रोज ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है। आपके पास अच्छे इंजन हैं, अच्छे गति वाले इंजन हैं, लाइन भी अच्छी है, तो क्यों नहीं दूसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाए जाते हैं। लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए, वह काम नहीं किया जा रहा है। आपको किसान की देहात में रहने वाले आदमी की मजदूर की परवाह नहीं है जो समस्त कठिनाइयों को झेलता है। आपके सारे कार्यक्रम को पूरा करने की उसमें कहां से शक्ति आएगी, कैसे वे अधिक अन्न उपजाकर आपको दे सकेंगे। आप इन सब पर सोच विचार करें। आपने बड़े बड़े फार्म बना दिए हैं, क्या उन्हें आपके फार्म से कोई लाभ मिल रहा है। सभापति महोदय, सरकार ने कई कृषि फार्म खोले हैं, क्या ये फार्म घाटे में नहीं चल रहे हैं। अगर सारे खर्च जोड़ दिए जाएं, बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन जोड़ दिए जाएं, तो पता चलेगा कि सारे ये कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं। क्या इसी तरह से आप सारे किसानों को घाटे पर खेती करने के लिए मजबूर करेंगे। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां एक पुल बना है। मैंने 10 वर्ष तक अपनी विधानसभा में इस पुल के लिए कोशिश की है। जिस दिन से मैं यहां आया हूं बराबर उसकी चर्चा करता आ रहा हूं, बराबर कोशिश कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि गंगा पर वह पुल बने, उस पुल को बनाने का आश्वासन भी मिला था। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जवाब दिया गया था, यह कहा गया था कि इसको हाथ में लिया जाएगा। अब मालूम हुआ है कि उस योजना को उठाकर ताक पर रख दिया गया है और यह पुल नहीं बनेगा। इन लोगों ने क्या कसूर किया है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्तान की लड़ाई में सरकार को हर तरह का सहयोग दिया था, हर तरह की सहायता दी थी। हमारे यहाँ के नौजवान भी मोर्चे पर जाकर डटे। जिस समय पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था तो कहीं कोई बात नहीं थी, अन्न की कमी कहीं नहीं थी। अन्न की कमी भी हमारे विरोधी साथी पैदा करते हैं जो यह चाहते हैं कि सरकार असफल हो जाए।
ये लोग जो कहते हैं उसको आप समझें। एक तरफ तो हमारे मित्र की बात है जो देश के बड़े बड़े शहरों में दंगे करवाते हैं, दूसरी तरफ हम हैं जो कि इनकी बातों को नहीं समझ पाते। इनको सभी वे लोग मिल जाते हैं जो बेकार होते हैं या जो दंगे करवाने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए सरकार का इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान जाना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि क्या तरीका इन सबसे बचने का हो सकता है। एक ही तरीका हो सकता है कि इस देश में हर आदमी को काम मिले, देहात में लोगों को करने के लिए काम मिले और खादी कमीशन की जो योजना है और जो कि एक अच्छी योजना है वह ठीक तरह से चले। सौभाग्य से मैं आर्य समाज संगठन से संबंध रखता हूँ। स्टाफ धन्यवाद। ओके दोस्तों, आप लिस्ट प्रैक्टिस है, सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। खंडे का डिक्टेशन है 160 शब्दों प्रति मिनट की स्पीड। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आई डी है study4stenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।